चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। आपके इकोनॉमिक्स का ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर में से आता है। चैप्टर का नाम बताता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, कि कोई भी प्रोडक्शन करते वक्त जो खर्चा होता है ना, कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करो मतलब कोई भी चीज़ जब हम तैयार करते हैं तो उसके लिए जो कॉस्ट लगता है, मतलब उसके लिए जो खर्चा लगता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब कि कोई भी चीज़ बेचने पर, कोई भी चीज़ को सेल करने पर जितना हमें पैसे मिलते हैं वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज़ बनाने का खर्चा, और कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू मतलब जो हमारी इनकम कहलाती है। हमारे बिजनेस के लिए या समझो इकोनॉमिक्स के लिए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक एक्सपेंस है और एक इनकम बताता है। तो हम लोग एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग पढ़ें कि जैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं ना, तो उस प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर यूज़ करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 फैक्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, याद है ना, प्रोडक्शन के जो है वो 4 फैक्टर्स। इन चारों फैक्टर्स को यूज़ करने के लिए जितना जितना भी खर्चा होता है ना, तो वो कहलाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आपने जो है वो बिजनेस में, अगर आपका शर्ट का बिजनेस है और अगर आप एक शर्ट तैयार करते हो, तो वो एक शर्ट तैयार करने का आपका कितना खर्चा होता है वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं पता है, कि अगर आपको आपके बिजनेस में हर चीज़ का कॉस्ट खर्चा पता चले ना, तो आप लोग हर चीज़ की प्राइस डिसाइड कर सकते हो। कि आप अगर एक शर्ट बना रहे हो, उस शर्ट बनाने में आपका खर्चा 100 रुपये निकल रहा है, तो आप लोग प्राइस उसके हिसाब से डिसाइड करोगे ना कि चलो मेरा प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो मैं प्राइस जो है वो 150 या 200 रुपये डिसाइड करूँ, है कि नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही प्राइस डिसाइड होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही पता चलता है कि हमें प्रॉफिट कितना कमाना है या कितना कम ज़्यादा करना है कि नहीं। आप हमें खर्चा पता चलेगा तो पता करेंगे ना कि हम लोग जो है वो इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, सही बात है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही पता चलेगा कि हमारा फर्म बरोबर चल रहा है या नहीं, कहीं ज़्यादा खर्चा तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये कॉस्ट ढूंढने से ही तो पता चलेगा ना कि कहीं हमारा ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा कि ये कॉस्ट एंड रेवेन्यू ये हमें पता चले ना, मतलब हमारे एक्सपेंस और इनकम पता चले ना, तो हम लोग हमारे बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं। भाई मेरे कितने खर्चे हो रहे हैं हर साल के, और मेरी कितनी इनकम हो रही है हर साल की, ये सोचने के बाद ही मैं आगे ढूंढ सकता हूँ ना, मैं आगे पता कर सकता हूँ ना कि मुझे अपने बिजनेस की कैसी ग्रोथ करनी है, कि मुझे कोई नई ब्रांच शुरू करनी है क्या, या मुझे कोई नया काम शुरू करना है क्या इसके साथ। ये सब इनसे ही तो पता चलता है हमें, इसीलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। पहले जो कॉस्ट के बारे में समझे ना, तो आपको पता है कॉस्ट के भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, या समझो अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं। आपके चैप्टर में एक ये पॉइंट दिया हुआ है, जो पॉइंट है आपका वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के अलग अलग कॉन्सेप्ट। तो देखो कॉस्ट आपके टेक्स्ट बुक में ये तीन तरह से कॉस्ट समझाया हुआ है। एक है रियल कॉस्ट, एक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक है मॉनेटरी कॉस्ट, ठीक है। ये कॉस्ट को तीन तरह से समझाया हुआ है। पहले हम लोग समझे रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट किसे कहते हैं, कॉस्ट तो आप लोग समझ गए, ठीक है, कॉस्ट तो समझ गए कि भाई टोटल खर्चा कोई भी चीज़ को बनाने का। लेकिन रियल कॉस्ट का मतलब क्या, एक्चुअली देखो ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना रियल कॉस्ट का, ये कॉस्ट का सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट में से माना जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि आज के टाइमिंग में भी जो बिजनेसमैन है, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। रियल कॉन्सेप्ट को या रियल कॉस्ट को आज भी यूज़ किया जाता है। तो रियल कॉस्ट का मीनिंग अगर हम लोग समझे ना, तो मार्शल के अकॉर्डिंग ऐसे कहते हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिस्ट थे मार्शल, उन्होंने ऐसे कहा कि आप जब कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो, तो उस प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ हर एक चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू ढूंढते हो,
सुनना ध्यान से, हम कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं ना, तो उसमें सबकी सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू ही फाइंड करते हैं। वही आपको एग्जांपल दूँ, जैसे अगर आप एक शर्ट तैयार करते हो तो आप क्या करोगे पता है, सबकी मॉनेटरी वैल्यू ढूंढोगे। मतलब शर्ट का कपड़ा कितना आता है उसका खर्चा ढूंढ लो भाई, जो जो मशीन चलाते हैं तो उस मशीन का खर्चा ढूंढ लो, जो भी मजदूर काम करते हैं तो उन मजदूरों को कितने पैसे देने हैं उसका खर्चा ढूंढ लो, है कि नहीं, लाइट बिल कितना आ रहा है, दूसरा खर्चा कितना आ रहा है। हम लोग सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू ही ढूंढते हैं ना, लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं ना, उनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल बर्डन, जो फिजिकल बर्डन आता है उसको कोई काउंट नहीं करता है। और अगर ये बर्डन को काउंट किया जाए ना, तो वो आपका रियल कॉस्ट कहलाता है। समझ रहे कि अगर हम लोग ये प्रोडक्शन करते हैं तो जो जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो भी मजदूर काम कर रहे हैं, जो मालिक काम कर रहे हैं, मैनेजर काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल बर्डन आता है, इसका मतलब कि जैसे वो लोग काम कर रहे हैं तो वो काम करते करते थक जाते हैं, उनको जो है वो बोर्डम भी फील होता है कि भाई एक ही काम, रोज़ एक ही काम करते रहो तो बोरिंग भी फील होता है, टेंशन भी फील होता है, स्ट्रेस भी फील होता है। तो ये सब जो नुकसान करते हैं, ये सब जो नुकसान पहुंचाता है उनके ऊपर, तो ये कहाँ पे उनका कॉस्ट कौन गिने? एक सिंपल एग्जांपल इसका दूं कि आप लोग कोई प्रोडक्शन करते हो तो आपने ऊपर ऊपर से सब खर्चे गिन लिए, लेकिन वो प्रोडक्शन करते वक्त जो मालिक को टेंशन थी, जो उसको एंजाइटी थी, जो उसको क्या कहते हैं कि भाई एक तरह की ऐसी फीलिंग थी कि यार पता नहीं मेरा ये सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, ये जो वो कहते हैं ना हमेशा अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाकर बैठा था जो मालिक, तो उसके हिसाब से वो तो हमने खर्चा गिना ही नहीं, क्योंकि ये भी तो एक तरह का खर्चा है कि अगर मालिक या जो वर्कर काम कर रहे हैं वो अगर हमेशा टेंशन में रहते हैं तो क्या बताओ वो लोग सही तरह से काम करेंगे। कोई जो पर्सन है, कोई वर्कर अगर काम कर रहा है, उसे घर की चिंता है कि घर पे जो है वो ये उसके पेरेंट्स बीमार हैं या और कोई घर पे प्रॉब्लम है, तो उसकी चिंता में आकर वो अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो बताओ वो जितना प्रोडक्शन उसे करना चाहिए क्या वो उतना प्रोडक्शन कर पाएगा? मतलब वो अगर रोज की जो है वो ये 10 शर्टें बनाता हो ना, लेकिन अगर वो किसी दिन घर से टेंशन में आया ना, तो वो रोज की 10 शर्टें नहीं बनाएगा, रोज की 8 ही बनाएगा, क्योंकि उसका आधा ध्यान तो वहां पे होगा, तो रोज का 2 का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये खर्चा कौन गिनेगा? समझ आ रही है बात? अगर कोई इंसान जो है वो बोर्डम फील कर रहा है, मतलब उसे बोरिंग लग रहा है, क्या रोज आकर फैक्ट्री में एक ही काम करना एक ही काम करना, तो वो शुरुआत शुरुआत में फैक्ट्री में आया होगा ना तो पूरे जोश से काम करेगा। वही एग्जांपल के पहले अगर उसे शर्ट बनानी होगी ना, तो पहले पहले वो जोश से काम करेगा कि भाई नहीं, रोज की जो है वो 10-10, 15-15 शर्ट भी बन गई या जो भी हो उसमें, लेकिन एक महीना 2 महीने हो गए और उसके बाद अब उसे बोरिंग लग रहा है कि क्या यार रोज एक ही चीज। तो इसकी वजह से पहले जो वो 10-15 बना पा रहा था, अब इसे 8-9 ही बना पा रहा है, तो बाकी के तो रोज के नुकसान जा रहे हैं कि नहीं? ये प्रोडक्शन कम हो जाना, या फिर कि अगर वो लोग बीमार हो रहे हैं, जैसे मालिक जो है वो अगर इतनी टेंशन ले रहा है कि भाई पता नहीं मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, ये काम होगा कि नहीं होगा, अगर वो टेंशन में काम कर रहा है, तो इस टेंशन के हिसाब से उसे जो बीमारी होगी, ना टेंशन के हिसाब से उसे अलग अलग बीमारियां होगी, उसे डॉक्टर को पैसे देने होंगे, तो ये भी तो उसका प्रॉफिट कम हुआ कि नहीं? ये भी तो उसका एक तरह का खर्चा बढ़ा ना। समझ आ रही है बात? तो शॉर्ट में समझो, ये बात कहते हैं कि हम लोग कोई भी प्रोडक्शन करते वक्त सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू काउंट करते हैं, बराबर ना? मॉनेटरी वैल्यू काउंट, सिर्फ मनी काउंट करते हैं, कपड़ा कितने का आया, मशीन कितने की आई, मजदूरों को कितनी पगार देनी है, लाइट बिल कितना है, दूसरा खर्चा कितना है, सिर्फ हम लोग ये खर्चा काउंट करते हैं। ऐसे कॉस्ट को तो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी कॉस्ट कहते हैं, जो आगे हम लोग समझेंगे। लेकिन इन सब के साथ जो लोगों की टेंशन, एंजाइटी, बोर्डम या जो भी स्ट्रेस, इन सब को भी अगर काउंट किया जाए ना, तो टोटल जो खर्चा होगा ना, उसे हम लोग कहते हैं रियल कॉस्ट। समझ आ रहा है कि अगर मेन कॉस्ट के साथ ये सब कॉस्ट भी अगर जो है वो काउंट किया जाए, तो उसे रियल कॉस्ट कहते हैं। लेकिन ये रियल कॉस्ट में जो हम लोग खर्चा वगैरह काउंट करते हैं ना, वो मॉनेटरी में आ जाता है, लेकिन ये टेंशन, ये स्ट्रेस और ये सब है ना, नॉन मॉनेटरी कॉस्ट कहलाते हैं।
पता है ये नॉन मॉनिटरी मनी रिलेटेड नहीं, आप टेंशन को जो है वो ये क्या कहते हैं कि भाई पैसों में माप सकते हो, उसके बाद का पता है रियल कॉस्ट में यही पॉइंट आता है हमारा कि रियल कॉस्ट के अंदर प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग रियल कॉस्ट, कि रियल कॉस्ट को मेजर करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि एक तो रियल कॉस्ट इसे हम लोग ऐसे समझो कि भाई रियली फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें काफी प्रॉब्लम्स आती है। आप लोगों को टेंशन का कितना खर्चा हुआ आप उसको मनी में काउंट कर सकते हो? आपको जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस का कितना खर्चा हो रहा है उसको आप लोग मनी में काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो रियल कॉस्ट पता कैसे चलेगा हमें? लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। आज प्रेजेंट टाइम में भी इस रियल कॉस्ट को बहुत ही समझो कि भाई इम्पोर्टेंस दी जाती है। हर बिजनेस में मॉनेटरी कॉस्ट के साथ साथ ये नॉन मॉनेटरी कॉस्ट भी इनडायरेक्टली काउंट किया जाता है। इस कॉस्ट को डायरेक्टली तो कोई भी नहीं काउंट कर पाएगा, इनडायरेक्टली काउंट किया जाता है। कि जैसे जो अब मालिक होते हैं ना, जो मैनेजर्स होते हैं हर बिजनेस में, तो वो लोग हमेशा ये ट्राई करते हैं कि जो उनके वर्कर्स काम कर रहे हैं ना वो हमेशा जो है वो खुश होकर काम करें, कि उनके घर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो प्रॉब्लम का असर यहाँ बिजनेस पे नहीं होना चाहिए, तो उनकी प्रॉब्लम मालिक खुद सॉल्व करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि अगर हर एक वर्कर एकदम खुशी से एकदम मस्ती से अगर काम करेगा ना, तो वो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और आपका खर्चा भी कम होगा। तो समझो रियल कॉस्ट है इमेजिनरी, उसको असली में काउंट कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये टेंशन ये स्ट्रेस इन सबको आप मॉनेटरी वैल्यू में काउंट ही नहीं कर सकते, है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं ना। तो इसीलिए रियल कॉस्ट भले इमेजिनरी है लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इनके अलावा पता है रियल कॉस्ट में वो भी काउंट करते हैं कि जैसे कोई फैक्ट्रियां या उनमें जो भी लोग काम करते हैं ना, तो उन फैक्ट्रियों में चलने वाली जो आवाज़ होती है, पता है पूरा दिन मशीनें चलती रहती है, खट 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 आवाजें, तो इन आवाज़ों से जो नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो नॉइस पॉल्यूशन का भी तो सबके माइंड पे असर होता है ना, है कि नहीं? एक महीना कंटिन्यूसली आप लोग जो है वो ये खट 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 मशीनों की आवाज़ें सुनो, तो आपके जो है वो माइंड का जो क्या कह सकते हैं कि भाई बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, भले वो धुआं दिखाई नहीं देगा लेकिन आसपास के जितने भी इन्वायरमेंट है उसमें वो धुआं मिक्स होगा और सबकी जो है वो ब्रीथिंग में वो जाएगा, या सबके शरीर में वो धुआं जाएगा, ठीक है? तो वो भी तो एक तरह का एयर पॉल्यूशन, वो भी तो नुकसान पहुंचाता है ना। तो ये सब चीज़ें रियल कॉस्ट में है, इनको मेजर करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, उसको मेजर करना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये कॉस्ट जरूरी है, समझे ना? कॉस्ट का एक ये भी पॉइंट आता है ना रियल कॉस्ट। उसके बाद दूसरा भी एक पॉइंट आता है जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या? तो अपॉर्चुनिटी मतलब क्या कहते हैं? मौका कहते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब तो हम लोग मौका कहते हैं ना। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स ने फाइंड किया था, एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स ने फाइंड किया था, लेकिन इसे डिटेल में समझाया ही था मार्शल ने, प्रोफेसर मार्शल जितने बड़े इकोनॉमिक्स थे उन्होंने इसे समझाया था। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिजनेस में कब लगता है या इकोनॉमी में कब लगता है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कि जब कोई भी प्रोडक्ट का या कोई भी जगह का एक से ज़्यादा यूज़ होता हो ना, अल्टरनेटिव यूज हो, एक से ज़्यादा यूज हो, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूज होता है। एक एग्जाम्पल से समझो, ठीक है? एग्जाम्पल से समझना कि आपके पास है एग्रीकल्चर के लिए, समझो कि एक बड़ा सा फार्म है, एक खेत है आपके पास, उस खेत में अभी समझो जो मानसून सीजन चल रही है, तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसमें वीट रेडी कर सकते हो या तो राइस रेडी कर सकते हो, बरोबर? तो जो भी फार्मर होगा ना, उसके पास जब ये दो ऑप्शन होंगे ना, तो उसे दो ऑप्शन में से वो हमेशा वही ऑप्शन चुनेगा जिसमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो वो पहले ना पूरी कैलकुलेशन करेगा कि चलो मैं जो है वो पहले वीट के बारे में सोचता हूँ, कि अगर मैंने वीट तैयार किया ना, 4 महीने में वीट तैयार हो जाएगा, उसका इतना खर्चा होगा, बेचूंगा तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो मुझे वीट में से ना टोटल कुछ 1 लाख जितना फ़ायदा होगा। उस फार्मर ने ये सोच लिया कि वीट में से मुझे 1 लाख का फायदा होगा, फिर उसने यही टोटल राइस के बारे में भी लगाया, राइस के बारे में भी उसने सब सोचा,
और वो सोचकर उसने ये टोटल लगाया कि हाँ भाई राइस में से है ना मुझे 1.5 लाख का फायदा होगा। तो वो क्या करेगा आप बताओ, वो क्या करेगा? तो वो तो राइस की खेती करेगा ना, ठीक है ना, चावल ही उगाएगा ना वो तो, क्या भाई उसमें से 1.5 लाख का फायदा होगा, वीट में से 1 लाख का, बरबर। तो उसने राइस की जो है वो खेती शुरू कर दी, चावल की खेती उसने शुरू कर दी। लेकिन 1-2 महीने हुए ना, तभी अचानक जो है वो जोर से बारिश हो गई और उसकी खेती में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बरबर, बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि काफी पानी खेत में आ गया और उसकी वजह से उसकी पूरी खेती खराब हो गई। तब उस वक्त तो वो सोच रहा था कि यार इससे अच्छा अगर मैं वीट की खेती कर लेता ना, कि अगर मैं वो अनाज वो गेहूं अगर तैयार करता ना, वीट तैयार करता, तो उसमें इतना पानी आने के बावजूद भी वो वीट खराब नहीं होता, ये राइस खराब हो गया ना, ज्यादा पानी आया ना तो ज्यादा पानी से राइस खराब हो गया ना, चावल की खेती खराब हो गई। तो उस वक्त वो सोच रहा था कि इससे अच्छा अगर मैं गेहूं की खेती करता ना, तो इतने ज्यादा पानी आने से गेहूं खराब नहीं होते। तो इसका मतलब क्या कि ये 1.5 लाख के चक्कर में, 1.5 लाख कमाने के चक्कर में वो जो 1 लाख मिल रहे थे ना वो भी उसके चले गए, ये 1.5 लाख भी चला गया और वो 1 लाख भी चला गया उसका। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसे कहते हैं कि जब बाय चांस जिस काम को आप लोग छोड़ते हो, जो काम आप लोग नहीं करते, जो काम आप लोग छोड़ देते हो, तो उसे करने का जो कॉस्ट होता है ना, उसका जो कॉस्ट होता है ना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ तभी काउंट करते हैं जब आप एक चीज में फेल हो जाओ, तो आप लोग दूसरी चीज का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काउंट करते हो। आप लोग रियल लाइफ में भी ऐसा करते हो, है ना, कोई जॉब ढूंढने जाता है ना, कोई जॉब ढूंढने जाता है ना, उसको 2 जॉब मिल रही थी, कि भाई उसे पहली जॉब मिल रही थी जिसमें उसे 10,000 की पगार थी, दूसरी जॉब में उसकी 20,000 की पगार थी। तो क्या करेगा इंसान, इंसान हमेशा 20,000 की पगार में ही जाएगा ना। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि भाई 20,000 की पगार जो है वो 1-2 महीने के बाद पता चला कि भाई इसमें तो सिर्फ मजूरी थी, कि भाई इसमें तो काम करने में मजा ही नहीं आ रहा है, और इससे अच्छा मैं 10,000 की पगार में काम करता ना, तो उसमें उसमें मेरा काम भी अच्छा हो जाता और धीरे धीरे पैसे बढ़ते भी। तो वो चला तो गया 20,000 की पगार में, लेकिन वहां पे उसे काम करने में मजा नहीं आया और उसने नौकरी छोड़ दी, है ना, उसने नौकरी छोड़ दी। तब रियलाइज हुआ उसे, तब रियलाइज हुआ कि इससे अच्छा मैं 10,000 की पगार पे काम कर लेता ना तो वो अच्छा है। तब उस वक्त जो उसे वो रियलाइज हुआ ना कि भाई वो जो है वो पैसे गए मेरे, इससे अच्छा तो 10,000 में मिल जाते, तो वो 10,000 उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाया, समझे ना, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तभी काउंट होगा ना जब वो फेल हुआ। अगर समझो उसने 20,000 की नौकरी ले ली और उसमें उसे मजा आ रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छी नौकरी है भाई, मैं हमेशा ऐसे ही काम करूंगा, तो अगर उसे मजा आ रहा है तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काउंट करने की जरूरी नहीं है। तो वो काउंट करेगा उस वक्त, नहीं काउंट करेगा ना कि यार मैंने 10,000 की नौकरी छोड़ दी, उस वक्त वो अफसोस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तभी यूज होता है ना कि जब कोई जगह पर फेल हो और अफसोस होता हो कि यार इससे अच्छा तो मैं वो कर लेता। समझ आ रही है बात है? कि अगर वही वीट और राइस के हिसाब से, अगर राइस में से उसे 1.5 लाख रुपए मिल जाते तो क्या वो सोचता कि यार मेरे तो 1 लाख चले गए वहां पे, तो उस वक्त तो वो सोचता नहीं ना, वो तो 1.5 लाख मिल गए, मजे हैं, सही बात का नहीं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब वो चीज कहलाती है कि जो चीज जो है वो पीछे छोड़ी गई हो, है ना, जो चीज पीछे छोड़ी गई हो तो उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। आपको पता है प्रोडक्शन करते वक्त, कोई भी चीज का प्रोडक्शन करते वक्त हमेशा अलग अलग कॉन्सेप्ट जो आते हैं ना, मतलब जो फैक्टर्स आते हैं उनके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उन फैक्टर के हमेशा अल्टरनेटिव यूज होते हैं। कोई भी चीज का आप एक ही यूज नहीं कर सकते, कोई भी चीज का एक से ज्यादा यूजेस होते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। लैंड, अगर आपके पास जमीन है तो जमीन के भी आपके पास बहुत सारे यूज हैं। एक ही जमीन है तो एक ही जमीन पे आप लोगों को स्कूल चाहिए तो आप स्कूल बना सकते हो, आप लोगों को होटल चाहिए तो होटल बना सकते हो। आपके पास अगर एक जमीन का टुकड़ा हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप वहाँ स्कूल बना सकते हो या होटल बना सकते हो या कोई मॉल बना सकते हो या वहाँ पे खेती कर सकते हो या कोई जो है वो अपार्टमेंट्स बना सकते हो फिर उसे बेच सकते हो।
कितने सारे ऑप्शन है एक जमीन के ऊपर, लेकिन उनमें से कोई एक ही काम आप लोग कर सकते हो, बाकी के काम लोग आप लोगों को छोड़ने ही होंगे। एक ही जमीन पे सब तो नहीं कर सकते ना, बराबर ना, एक कर सकते हो काम, बाकी के काम आप लोगों को छोड़ने होंगे। तो वो चीज आपके लिए क्या कहलाती है, जिस चीज को आप लोग छोड़ देते हो ना, तो वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। कि अगर फ्यूचर में आप कोई चीज में फेल हो गए ना, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काउंट होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन एक पॉइंट आता है कि इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काउंट करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक आता है पॉइंट कि प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काउंट करने में क्या प्रॉब्लम, तो उसमें दो पॉइंट है आपके। पहला पॉइंट आता है फैक्टर विथ नो यूज, या वन यूज, सॉरी, फैक्टर विथ वन यूज। कि अब कितने ऐसे भी फैक्टर होते हैं कि जिसका एक ही यूज होता हो, जो एक ही यूज के लिए अगर काम होता हो, उसका और कोई जगह पर यूज नहीं हो पाता हो, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा ही नहीं ना। जैसे कि अगर आपके पास कोई जमीन का टुकड़ा है, लेकिन बहुत छोटा जमीन का टुकड़ा है, कि उसपे सिर्फ और सिर्फ घास तैयार की जाएगी और कुछ भी नहीं होगा उसमें, ना दूसरी कोई खेती नहीं हो सकती, वहां खाली घास ही तैयार हो सकती है, तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिनोगे नहीं ना, कि भाई इसके ऊपर तो वीट भी तैयार कर सकते थे, या राइस भी तैयार कर सकते थे, तो मैंने वीट को जो है वो तैयार करना छोड़ दिया, तो वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कर सकते हैं ऐसा, नहीं कर सकते ना, समझ आ रही है ना बात है? तो जिसका एक ही यूज हो ना, तो उसको जो है उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काउंट नहीं कर सकते। ऐसे कोई भी चीज आप देख लो जिसका यूज सिर्फ वन ही हो, एक से ज्यादा यूज ना होता हो, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काउंट नहीं होगा। या तो फिर फैक्टर हैविंग स्पेसिफिक यूज, है ना, फैक्टर हैविंग स्पेसिफिक यूज, कि अगर जिसका यूज फिक्स हो, जिसका यूज फिक्स हो, तो उसका उसमें भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूज नहीं होगा ना, जिसको आप और कोई जगह यूज कर ही नहीं सकते। भले आप वही एग्जाम्पल लो उसमें, कि भाई जमीन का टुकड़ा है जिसका यूज सिर्फ घास बनाने के लिए ही होगा, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा ही नहीं ना। दूसरा, अगर रेगुलर पर्सन के बारे में आप लोग बात करो ना, कि समझो कोई पर्सन डॉक्टर है, तो उसका यूज आप एज ए इंजीनियर कर सकते हो क्या? कर सकते हैं उसका यूज, कि भाई ये डॉक्टर नहीं तो उसको इंजीनियर, तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी है कोई दूसरी? नहीं है ना, तो ऐसे में कहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। कोई अगर साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट को जो है वो कोई दूसरा वर्क दे दिया जाए, या डॉक्टर का वर्क दे दिया जाए, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके स्पेसिफिक यूज हैं, फिक्स यूज हैं। तो जिनका यूज फिक्स हो, तो उसका फिर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता नहीं है, समझ आ रहा है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ तभी बनता है, सिर्फ और सिर्फ तभी बनता है कि भाई जिसके अंदर, जिनके अंदर जो है हमेशा एक से ज्यादा यूज होते हो, अल्टरनेटिव यूज हो, और जिस यूज को आप लोग छोड़ देते हो ना, जिसे यूज करना आप लोग छोड़ देते हो ना, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। समझ आया? ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद दूसरा आता है, वो आता है मॉनेटरी कॉस्ट, ठीक है। लास्ट और इम्पोर्टेंट मॉनेटरी कॉस्ट आता है। देखो, रियल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, इनका यूज इकोनॉमिक्स में ज्यादा होता नहीं है। रियल और मॉनेटरी, और रियल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इकोनॉमिक्स में ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि दोनों इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। रियल कॉस्ट को भी आप लोग काउंट नहीं कर सकते, है ना, टेंशन, बोर्डम, स्ट्रेस, इनको आप लोग कहाँ काउंट कर सकते हो। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी जब आप लोग फेल होते हो, तो ही उसे जो है वो काउंट कर सकते हो, और वो भी इमेजिनरी, रियल में तो नहीं गिन सकते ना। कि आप अगर फेल हो गए, कि जैसे आपकी जो है वो चावल की खेती खराब हो गई, तो क्या आप लोग अपने अकाउंट में ऐसा लिखोगे कि भाई मुझे जो है वो ये उस जो मैंने वीट नहीं तैयार किया था 1 लाख का, उसका भी मुझे नुकसान हुआ, ऐसे लिखते हो क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। समझो, वो फिर से वो एग्जांपल समझो, कि अगर आप लोग वो राइस तैयार कर रहे हो जिसमें आपको 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, और वीट आप लोग जो तैयार करोगे तो उसमें आपको कितने, तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो आप लोग तो राइस ही तैयार करोगे ना। लेकिन बाय चांस अगर राइस तैयार करने में आप लोग फेल हो गए, तो क्या आप लोग अपने अकाउंट में ऐसा लिखोगे कि मुझे वीट का भी 1 लाख का खर्चा हुआ?
हुआ कोई वो खर्चा, वो कोई कॉस्ट हुआ? वीट तो तैयार ही नहीं किया ना, उसका खर्चा कहाँ? वो भी तो इमेजिनरी खाली गिनते हैं ना कि काश वो वीट तैयार कर लेते। आप लोग तो खाली चावल का ही खर्चा लिखोगे ना कि उसमें वो भी ऐड करोगे? नहीं ना, रियल कॉस्ट को बुक में नहीं लिखा जाता, वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी बुक में नहीं लिखा जाता, वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। और इकोनॉमिक्स में जो रियल कॉन्सेप्ट यूज होता है ना, वो ये है मॉनेटरी कॉस्ट। मॉनेटरी कॉस्ट को बुक्स में लिखा भी जाता है और रियली काउंट भी किया जाता है। और मॉनेटरी कॉस्ट मतलब सिंपल कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन करते वक्त जितना भी आपका खर्चा होता है, उन खर्चे को अगर आप लोग मनी में काउंट करते हो, तो जो आपकी मनी आई ना, वो आपका मॉनेटरी कॉस्ट कहलाता है। ठीक है ना? मतलब जो भी प्रोडक्शन का खर्चा आप लोग मनी में काउंट करते हो, पैसों में काउंट करते हो, तो वो आपका मॉनेटरी कॉस्ट कहलाया। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर अगर जो है आप कोई पेन बनाते वक्त अगर 1,000 पेन बनाने का खर्चा आपका 50,000 रुपये आ रहा है, 1,000 पेन बनाने का खर्चा कितना आ रहा है? 50,000 रुपये आ रहा है। तो ये जो 50,000 रुपये हुए ना, ये आपका मॉनेटरी कॉस्ट हुआ। कि अगर आप लोगों की कोई बिस्किट की फैक्ट्री है और जो है वो 1,000 पैकेट या 5,000 पैकेट बिस्किट बनाते वक्त आपका अगर 1 लाख का खर्चा आ रहा है, तो वो जो 1 लाख का टोटल खर्चा हुआ ना, ये आपका मॉनेटरी कॉस्ट हुआ। हम लोग हर जगह पर ये मॉनेटरी कॉस्ट ही काउंट करते हैं। कोई भी चीज़ में मनी ही काउंट करेंगे ना, रियल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को थोड़ी काउंट करेंगे। हम लोग तो मनी ही काउंट करते हैं। हम लोग अकाउंट लिखते हैं तो उसमें भी ये मॉनेटरी कॉस्ट काउंट करते हैं, मनी को ही काउंट करते हैं ना। इकोनॉमिक्स में भी जब काउंटिंग करते हैं तो उसमें भी ये मनी को ही काउंट करते हैं कि ये इतना उसका प्राइस है कि नहीं, यहाँ इतना कॉस्ट हुआ, इतना प्राइस हुआ, यही काउंट किया जाता है ना। इसलिए मॉनेटरी कॉस्ट वो हमेशा हर जगह पर यूज होता है। तो देखो, ये आपको कॉस्ट के अलग अलग कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, कौन से कॉन्सेप्ट है ये ध्यान हुआ ना। अब हम लोग जो है वो इन कॉन्सेप्ट पर से हम लोग कॉस्ट के रियल टाइप्स देखेंगे। कॉस्ट के रियल टाइप्स, ये तो इमेजिनरी थे ना। अब जो मॉनेटरी कॉस्ट हुआ ना, इस मॉनेटरी कॉस्ट के रियल टाइप्स हमें देखने हैं, जो हमारे चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं, और वो रियल टाइप्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।